क्यों देखा ही करूंगा आज अपनी वीडियो भाई में लड़ा क्यों तो भाई अभी है ना सबसे छोटे वाली बुआ वो जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो हम आपको बताएंगे दिखाएंगे, मतलब पहले कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट्स वगैरह आ जाएंगे और कल आंसू लेके भोले के आगे रोन लग गया। मैं कहा बाबा हार गया तेरा लाडला, इब टूटन लग गया, टूटन लग गया। छाती का लागे बोला नू बोलिया केरा हारन को ने दू। पहले था तू मेरी गोद में, अरे मेरी उंगली पकड़ के चालन लग गया, चालन लग गया। हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय माता दी, जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज और हर हर महादेव। करते दिन की शुरुआत और काफी दिनों के बाद जो है फिर से आपको व्लॉग मिल रहा होगा, लेकिन सुबह के बजे हुए हैं 7:45 का टाइम हो चुका है और भाई अभी जो है ना मैं रेडी हो गया हूँ, मतलब शर्ट वो पहन के और चप्पल। अभी पहले मैं एक बार जा रहा हूँ, होली आ रखी है ना, 2 दिन के बाद होली है, मंडे की एक पता नहीं ट्यूसडे की। तो अभी मैं एक बार जा रहा हूँ बुआ के घर, वो जो होली का वो दे के आते हैं ना, होली दिवाली पे जो सीधा वगैरह दे के आते हैं, तो बुआ के पास जा रहा हूँ और फिर वहीं से मैं एक जाऊँगा नए प्रोजेक्ट के लिए, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि हमारे चैनल पे बहुत जल्द जो है एक बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट आने वाला है, तो भाई उसको हमें प्यार जरूर देना यार। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, पहले बुआ के घर जाके थोड़ी सी देर रुकूँ क्योंकि जो मुझे जाना स्टूडियो में, वैसे तुम समझ गए होगे स्टूडियो से क्या रिलेटेड है, अभी बताऊँगा नहीं भाई, देखो आएगा तभी देखना। हाँ पर उससे पहले बस ये लगा लो आइडिया, कुछ भी लगा लो, स्टूडियो में जाना है। तो मुझे मिला है टाइम 10:45 और 11 बजे तक का, तो पहले मैं बुआ के पास जाऊंगा, फिर मुझे एक भाई को उठाना है, उठा लेंगे कति बिल्कुल उठा के किडनैप कर लेंगे, तो एक भाई को वहीं से उठाना है, फिर वहां से हम जाएंगे डायरेक्ट स्टूडियो और फिर उसके बाद जो है करेंगे प्रोजेक्ट की तैयारी। तो करते हैं दिन की शुरुआत और एक नए काम की शुरुआत। तो अभी मैं निकल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सामान मिठाई वगैरह भी लेनी है नजफगढ़ से, फिर उसके बाद जो है चले आ जाऊंगा, ठीक है? तो चलो भाई निकलते हैं। ओ उठ गए मम्मी, हो गए पैक, बाय 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 मम्मी, बाय, जा रहा हूँ, बाय बाय। और पापा गए घूमने सुबह सुबह खेतों की तरफ। सुबह भाई 8 बजे का टाइम है, 7:45 का, वो धूप इतनी निकली हुई है काफी। देखो भाई मैं ना यादव स्वीट्स पे पहुंच गया हूँ और ये वाली मिठाई है ना, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, पेड़ा और मिठाई दोनों का टेस्ट सेम है। फ्रूट भी ले लिए भाई नजफगढ़ मार्केट से, केले संतरे और अंगूर, और अभी निकलता हूँ नजफगढ़ से बुआ के घर की तरफ। मुझे यहाँ से लग जाएगा यार 40 मिनट तो लग जाएगी, अगर फाटक बंद नहीं हुआ तो 40 मिनट लग जाएगी, नहीं तो भाई फिर टाइम तो लगना ही है अगर फाटक बंद हो गया तो। बस मुझे ये है कि पता नहीं मैं वहाँ से 10 बजे वापस निकल पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मुझे यार 11 बजे तक वापस यहाँ पहुँचना है स्टूडियो में, तो देखते हैं। अभी ड्राइव कर रहे हैं भाई, बाद में बात करता हूँ। जिस बात का डर था भाई वही हुआ यार, फाटक बंद है बट ट्रेन आ चुकी है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, नहीं दिखाई दे रही, देखो जा रही। चलो ज्यादा टाइम बस इसके बाद और नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे है ना यार दो दो तीन तीन चार चार लगातार आती है ट्रेनें, कोई नहीं क्या कर सकते। लास्ट टाइम आया था तब भी ऐसा हुआ था यार फाटक, और उस टाइम तो यार मुझे ना कम से कम ये लगा ले 40 मिनट लग गई होगी फाटक पे। आज देखो किस्मत अगर अच्छी होगी तो, नहीं तो यार जो टाइम मिला होगा ना अपॉइंटमेंट उसका। तो भाई बुआ के घर पहुंच गया हूँ और पराठे खाते हैं। अब तो शर्म है बुआ, मैंने बोल दिया ना पर वीडियो बनाऊं, आपकी मुंह देखा ही करूंगा आज अपनी वीडियो में क्यों तो भाई अभी है ना मैंने परांठे खिला दिए और पहली बार मैंने अपनी लाइफ में घी 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 के साथ खाए हुए। हाँ आलू के हम सूखे खाया करे, अच्छा खाली दूध के या चाय के या दही के, लेकिन मजा आया। और भाई ये मेरी सबसे छोटे वाली बुआ तो शर्म आ गया, मैंने पता है सच में बेरानी क्यों आ गया,
पूरी तरी ना होया उन्हें ढंग से। वैसे हूं भी मैं शर्मिंदा है ना, बस समझ ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं। वीराने क्यों ना गौरव बोल तो ले है। मेरे तो मतलब अगर कोई अनजान मिल जाएगा ना मेरे तो बोल भी ना जावे, वो इसराइल रहेगा शुरू से आदत ना वहाँ। है। तो भाई अभी आया हुआ था और 10 बजे बज चुके हैं, 10:15, और अभी निकलूंगा थोड़ी देर में क्योंकि वहाँ 11 बजे पहुंचना है। और फूफा जा रहे होंगे खेत में, जा रहे? ना सीधा देने जा रहे हैं। अच्छा गोरो गल्ला ही जा रहे। हाँ अच्छा वहीं जा अच्छा रहे हैं। तो भाई खाली बुआ थी और दादी है, दादा भी बाहर जा रहे हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो और दीपक भाई है ना प्रैक्टिस करने लग रहे हैं वहां पे। तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो हम आपको बताएंगे दिखाएंगे, मतलब पहले कंप्लीट होने के बाद शॉर्ट्स वगैरह आ जाएंगे और 17 तारीख को आउट करेंगे। तो देखते हैं क्या प्रोजेक्ट है क्या नहीं, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बैठे हैं स्टूडियो में। भाई सुबह से 5 बज चुके हैं और अभी भी मैं गाड़ी में हूँ। मैं सुबह निकला था 7:30 बजे के आसपास। पूरा दिन मतलब ऐसा निकल गया, लेकिन मजा आया। जिस काम के लिए गए थे वो पूरा हो गया है और भाई वो जल्द पता भी चल जाएगा। और अभी जो है जो भाई मैंने उठाया था ना तो उसको भाई मैं ड्रॉप करके आया हूँ। और अभी CNG पंप पे पहुंच चुका हूँ नजफगढ़। तो अभी CNG कराते हैं और फिर घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं। भाई बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ऐसा हो रखा गर्मी में, बस पूछो मत। चलो भाई CNG करा लेते हैं एक बार। ओ भाई अकड़ क्या गाड़ी में बैठा बैठा भी। और सुबह मैंने पराठे खाए थे यार बुआ के घर, वो अभी तक नहीं उतरा है। यहाँ चल रहा है अपना CNG। गर्मी इतनी हो रखी है यार, मार्च का स्टार्टिंग का महीना है और गर्मी इतनी हो रखी बहुत ज़्यादा। बोलने का भी मन नहीं कर रहा, बाल देखो कैसे हो रखे हैं। काय बोलू यार मैं, काय बोलू। ये ले भाई आज उत्पम बन रहे हैं, तुमने बेरा है आज मेरी वाट लगा दी। सुबह ना जिम की वाट लगी, सुबह बुआ ने घी के साथ पराठे खवा दिए, फिर मैंने वहां पर इडली वगैरह खा ली। इतू हुए बना हुआ है मेरी जिम की, दो बात लग रही है। बट कोई नहीं खा लेंगे भाई, वो है ना खाना नहीं छोड़ना आप। भाई देख काफी दिन के बाद बनाया था, बनाना भूल गई, डोसे की तरह बना दिया। ये देखो भाई बिना अंडे की ऑमलेट, देखिए मेरा टेस्ट करके बता। ना ना अरे कर ले, एक खाऊंगा मैं बाद में, खा लूंगा शीत के साथ, सटक लूंगा खाऊंगा नहीं। तो भाई बना लो, तो चिमनी की ज्यादा आवाज आ रही होगी ना। अरे ना भाई 9:15 बज गए, आऊँ हूँ 1 मिनट भाई, मैं पापा का टेस्ट कराया हूँ। पापा टेस्ट करी हो? बनाए रखा हुआ कच्चा कच्चा है। ठीक है ठीक है ठीक है, पास होगी तू। इसमें चीज भी डाल लो क्या? हाँ, वो तो पापा ने तोड़ा ना जब भी आप अट्टा मैंने चीज भी है। अरे वाह, फिर मैं सटकू बोले पर खा लूंगा। ठीक है बना ले। हाँ ठीक है बना ले। और भाई बज रहे हैं 8 और इस व्लॉग को ना मैं यहीं एंड करता हूँ क्योंकि मेरे बोलने की भी हिम्मत को ना, और एडिटिंग भी करनी है वीडियो, और थक गया हूँ, खा कर सोऊंगा फटकार के। और भाई वैसे इतनी गर्मी हो रही है, मेरे दादा ने ना जब जाडे थे जब तक गर्मी लगा करती, रियाज देखो भाई मेरा दादा नई बहू बने बैठा है। है दादा नई बहू का बने बैठा है, तू तो कती पैक होकर है मगर नई बहू बने बैठा है। मच्छर लगे मच्छर लगे तो फिर भीतर बैठ जाना भीतर ना बैठ कती। जब नु कहेंगे ना जाडा है, तुम किस जाडा से है? और जब नु कहेंगे ना गर्मी है या मच्छर है, कित मच्छर से है, मौजी आदमी है, कती मन मौजी कर रहे है ना दादा, कर है ना मन मौजी। तड़के तड़के कुत्ते पाद पाद लगाया कौन से कुत्ते पे? पे देख कर चाल लगा तू, चाल लेंगे चाल सीधा और देखेंगे ना
इससे मत चल लगा था पता पता नहीं मैं दांत ना लाकर पाया पता मैं पाच गया देख कदे सही में पाड़ लिया होता था ना कित पाड़ा था तू पाप लड़िया थे कड़े हैं दे ना ना लग रहे बच गया मैं दादा भाई बेरा के मैं दादा नहीं दिखता को ना ना दिखता ना दादा इतने ना दिखता ना इतने कम दिखता है ना सुने भी कम है दिखे भी कम मेरा दादा बुढ़ा गया 85 साल का उम्र है 85 भी कूद गया बेरा ना आराम से दादा आराम से मन खांसी उठवा दी तो भाई चलो ये करते हैं क्या की मच्छर की क्या दवाई हो वह अलाउड हो है हाँ ले जाइए वह मशीन कितना है मशीन तो लिया ये बाद में मैं डाल दूंगा तेरे तना डर लगी वाह तेरे तना डर लगी अरे ले आऊं तो यहाँ यहाँ ले आऊं तो फिर मच्छर बहुत होने जल्दी आ आदमी छोड़ लेगी जल्दी आ तो फिर मैं डाल दूंगा क्योंकि तेरा तत्त्व डर लेना की हो लाउड में वो दवाई है तो भाई मैं ये कह रहा था हेडक हो रखा है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है ना उसने प्यार दे दियो समझाता को ना भाई ना बताता को ना समझाऊं भाई तुम प्यार दियो उस वीडियो ने ठीक है देख क्या करो वीडियो ने देखोगे तब तो मजा आओगा जब तो मैं बनाऊंगा तो चलो बाय 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 टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो देखो अभी तक ना मेरे थोपड़े ने देखो यार चैनल ना सब्सक्राइब करो और अच्छा लागत तो इंगे उंगे ने फैला दो कि भाई वो इन्हें देख क्या करो रे ये छोरा मेहनत करे वीडियो पे ठीक है तो चलो टाटा टेक केयर बाय बाय लव यू और कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ क्योंकि अभी एनर्जी डाउन हो चुकी है।